स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कृत के द्वितीय अध्याय में। और आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह जो पाठ है वह पंचतंत्र से लिया गया है, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें पांच खंड होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है पंचतंत्र। तंत्र मीन्स खंड। यह जो पाठ है यह पंचतंत्र के तीसरे खंड से लिया गया है। और पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत सारी रोचक कहानियां हैं, जिसके कलाकार मोस्टली जानवर पशु पक्षियां ही होते हैं। तो इस कहानी में भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भी जो कैरेक्टर्स हैं वो जानवर ही हैं, वो पशु हैं। हमारा जो द्वितीय पाठ है वो है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य का मतलब होता है बिल का या गुफा का। बिल मतलब गुफा, बिलस्य मतलब गुफा का, वाणी मतलब आवाज, न मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, मे श्रुता मतलब मैंने सुना। तो पूरा अर्थ हो गया गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रथम पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं ये कहूंगी कि आप अभी प्रथम पाठ पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करें। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब मैं आपको किसी चीज का मीनिंग बता रही हूँ तो बहुत बार ऐसा होगा कि इंटरमिटेंटली मैं कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँगी। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हिंदी मदर टंग नहीं है बट स्टिल दे हैव संस्कृत इन देयर करिकुलम। सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि सबको ही अर्थ समझ में आए। बट जब मैं संस्कृत का अनुवाद करूँगी मैं ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखूँगी कि मैं उसका हिंदी में अनुवाद ज़रूर बताऊँ आपको हर एक अक्षर का जो कि पाठ में आया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये पाठ पढ़ना। कस्मिंश्चित वने खरह नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित का मतलब है किसी, कस्मिन जोड़ चित, किसी वने वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ प्रतिवसति जो है यह जो क्रिया है यह लट लकार में है, लेकिन हम इसे बोल रहे हैं रहता था। क्यों इसे हम पास्ट टेंस में कैसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें स्म लगाए हैं। तो जब हम लट लकार के साथ स्म का इस्तेमाल करते हैं, स्म का यूज करते हैं, तो फिर वो पास्ट टेंस बताता है। कस्मिंश्चित वने खर नखरह नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन। सह मतलब वह, कदाचित मतलब किसी दिन, इतस्ततः इतः जोड़ ततः, इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमन घूमते हुए, शुद्धार्थ शुद्धार्थ मतलब भूख से पीड़ित, न किंचिदपि न कुछ भी, किंचित जोड़ अपि आहारम प्राप्तवान। आहारम मतलब भोजन, प्राप्तवान मतलब पाया। तो वह किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कुछ भी नहीं पाया, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ततः तब सूर्यास्त समये, सूर्यास्त समय मतलब सूर्यास्त के समय मतलब इवनिंग टाइम में, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एकाम मतलब एक, महतीम मतलब बड़ी, गुहाम गुफा को दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंतयत वह सोचा। सह कौन? खर नखरा। उसने क्या सोचा? नूनम इतस्याम गुहायाम
रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई भी, कोऽपि मतलब कोई भी जीव आता होगा। अतः अत्रैव, इसलिए अत्र एव, अत्र जोड़ एव, यहाँ ही, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यहाँ ही निगुणो भूत्वा, छुप कर मतलब छिप कर, तिष्ठामि इति, छिप कर बैठता हूँ, इति मतलब ऐसा, उसने सोचा ऐसा, उसने क्या सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई भी जीव आता होगा, इसलिए यहाँ ही छिपकर बैठता हूँ। अब हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। इतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इतस्मिन् अंतरे मतलब है इसी बीच में, अंतरे बीच में, इतस्मिन् मतलब इसी, अंतरे मतलब बीच में, गुहाया मतलब गुफा का स्वामी मालिक, दधिपुच्छ, उस जो स्वामी था उसका नाम था दधिपुच्छ। इसके नाम थोड़े ऐसे बहुत फ्रेंडली नेम्स नहीं है, आपको याद रखना होगा कि जो मालिक है उसका नाम दधिपुच्छ है और जो सिंह है उसका नाम खरनखरा है। तो इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल मतलब सियार मतलब फॉक्स समागच्छत आया। स च यावत पश्यति, च मतलब और, वह यावत मतलब जैसे ही, बुक में आपके इसका मतलब दिया है जब तक, लेकिन जब हम उसको सेंटेंस के फॉर्म में यूज करेंगे तो हम इसे बोलेंगे जैसे ही पश्यति देखा, तावत वैसे ही, अगेन बुक में दिया हुआ है तब तक, लेकिन हम इसे बोलेंगे वैसे ही। सिंह पद पद्धति मतलब, सिंह मतलब शेर, पद मतलब पैर, पद्धति मतलब निशान, सिंह के पैर के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दिखते हैं। न च बहिरागता और बाहर आते हुए नहीं दिखते। तो उसने ये देखा कि जो गुफा है उसमें से शेर के पैर के निशान प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। आप ये देखें ये पिक्चर में, यहाँ पर पैर के निशान दिख रहे हैं। श्रृगाल अचिंतयत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टः अस्मि, विनष्टो अस्मि का संधि विच्छेद क्या होगा, विनष्टः जोड़ अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मर गया। नूनम ही, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, नूनम मतलब निश्चित ही, अस्मिन् मतलब इस, बिले मतलब गुफा में, शेर अस्ति इति शेर है, ऐसा उसने तर्क किया, ऐसा उसने विचार किया। ततः किम करवाणि, तब क्या करूं, एवं विचिन्त्य ऐसा उसने सोचा, एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, ऐसा सोचकर दूरस्था दूर से ही, दूर स्थित होकर रवम मतलब आवाज, कर्तुमारब्ध करना शुरू किया, किसने, सियार ने। भो बिल भो बिल, हे गुफा हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, स्मरसी याद, क्या तुम्हें नहीं याद, यन्मया त्वया स समयः कृतोऽस्ति यत्
यदा अहम् बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकर्षयसि। यन्मया, इसका संधि विच्छेदम करेंगे, जिसका संधि है यत् जोड़ मया, जो मेरा तुम्हारे साथ, त्वया मतलब तुम्हारे, सह मतलब साथ, समय शर्त कृतो अस्ति, किया हुआ है, यत् कि यदा हम, जब मैं बाह्यात् बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, वापस आऊंगा, तब तदा तब त्वम तुम माम मुझे आकर्षयसि, बुलाओगे, आवाज दोगे। तो ये शियार जो है वो ऐसा बोलता है गुफा को कि क्या तुम्हें याद नहीं जो मेरा और तुम्हारे साथ शर्त की गई थी, शर्त थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे आवाज दोगे। यदि त्वम माम न आहरिष्यसि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे, आहरिष्यसि मतलब बुलाओगे, तरहि तब अहम मैं द्वितीयम दूसरा बिलम गुफा यास्यामि इति, तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ, अथ मतलब है इसके बाद। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, इसके बाद यह सुनकर शेर सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः, नूनम मतलब निश्चय ही, एषा यह गुफा, गुहा, गुहा मतलब गुफा, निश्चय ही यह गुफा स्वामिनः मालिक को, मालिक का, स्वामिनः मतलब मालिक का, सदा हमेशा साम्वाहन, समाह्वाहनम करोति, स्वागत करता है, परंतु मद भयात, परंतु मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ नहीं बोल रहा है। तो शेर को ऐसा लगता है कि यह जो गुफा है वो हमेशा सियार का स्वागत करता है, कि लेकिन आज मैं हूँ इस गुफा में तो यह गुफा मुझसे भयभीत हो गया है, डर गया है और इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। अथवा साद्विदम उच्यते, और सही ही कहा गया है, उचित ही कहा गया है, अच्छा ही कहा गया है, क्या, तो वो हम पंक्ति अभी आगे देखेंगे। सो अब हम ये स्टूडेंट्स, अब हम ये पंक्ति पढ़ेंगे। भयस अत्रस्त मनसाम हस्त पादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथु अचादिको भवेत। इसका मतलब क्या है? भयसन त्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले का या भयभीत मन वाले का, हस्त पादादिका हाथ पैर इत्यादि की क्रियाएं, क्रियाएं मतलब एक्टिविटीज, प्रवर्तन्ते न मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ये सारे हाथ पैर और इत्यादि जैसे की जो क्रियाएं होती हैं वह इनएक्टिव हो जाती हैं। वाणी च, और वाणी वेपथु मतलब कंपित मतलब कांपने लगती है, अचाधिको भवेत, और वाणी में बहुत ही ज्यादा कंपन होती है, इसका मतलब ये है। वेपथु च आदिको भवेत, और वाणी में बहुत कंपन होती है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि जो भय भीत भय से त्रस्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए मन वाले लोग होते हैं, उनकी हाथ पैर इत्यादि की क्रियाएं इनएक्टिव हो जाती हैं, बिल्कुल काम नहीं करती, और वाणी भी में भी बहुत अधिक कंपन, बहुत अधिक
वाणी कांपने लगती है। तद अहम मतलब तत् जोड़ा हम, तब मैं अस्य इसका आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करूंगा मतलब इसे मैं आवाज दूंगा। ये कौन बोल रहा है? यह जो शेर है वो सोच रहा है कि मैं अब इस सियार का को आवाज दूंगा। एवं सह और वह बिले बिल में प्रविश्य मतलब गुफा में प्रवेश करेगा, मैं मेरा भोजन भविष्यति, और वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, ऐसा वह शेर सोच रहा है। इत्थम विचार्य सिंह, ऐसा सोचकर वह शेर सहसा अचानक श्रृगालस्य सियार का आव्यानम अकरोत्, ऐसा सोच करके वह शेर जो है वह अचानक उस सियार का को आवाज लगाया, उसका आह्वानम किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम् आह्वयत्। सिंह की उच्च गर्जन मतलब जोर वाली जो गर्जन थी उसकी प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से ऊंचा मतलब जोर से सियार को बुलाया। अनेन अन्योपि, इससे अन्य अपि मतलब अन्य जोड़ अपि, और भी पशुवा पशु भयभीता अभवन, भयभीत हो गए। किससे भयभीत हो गए? सिंह के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, मतलब सिंह का जो बहुत ही जोर का रोरिंग वॉइस था उसके जो इको हुई उससे बहुत जोर से श्रृगाल को पुकारा गया, उससे जो ध्वनि निकली उससे सारे पशु जो थे वो बहुत भयभीत हो गए। श्रृगालोऽपि, सियार भी, ततः दूरं पलायमाना इमं पटः, वहां से दूर पलायमान मतलब भागते हुए, इमं पठत या पढ़ा। तो सियार को पहले से ही वो जो फुटप्रिंट्स थे शेर के उससे डाउट हो चुका था कि वो शेर जो है वो बिल में है, वो गुफा में है, लेकिन सियार चाहता क्या था, एक बार वो कंफर्म करना चाहता था कि वो जो सोच रहा है वो सच है, और उसने इसलिए वो शर्त के बारे में बोली गुफा को, जो कि जैसा कुछ भी नहीं था, और जो शेर था वो बेवकूफ बन गया और उसने आवाज निकाली, तो उससे क्या हुआ, यह कंफर्म हो गया कि शेर गुफा के अंदर है, तो इसलिए जो सियार था वह भी श्रृगालोऽपि तथा सियार भी वहां से दूर भागते हुए वहां से भागा। इमं पठत अपठत यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते सशोभते, अनागतम मतलब आने वाले दुख का, यह मतलब जो कुरुते करता है वह शोभित होता है, सशोभते मतलब इसका पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि आने वाले दुख का जो प्लान करता है, जो उसके बारे में विचार करके रखता है पहले से, वो ही शोभित होता है। न सोचते यो न करोत करोति अनागतम, और जो आने वाले दुख का करोत, इसका ये संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये होगा करोति जोड़ अनागतम, करोति अनागतम, करोत्य अनागतम हो गया ये, ठीक है। तो जो आने वाले दुख की प्लानिंग नहीं करता है, स सोच्यते मतलब वह दुखी होता है। वने अत्र, वन में, यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा बुढ़ापा आ गया, जरा मतलब बुढ़ापा, समागता मतलब आ गया, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, परंतु गुफा की आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी।
तो सियार जो है वो भागते हुए क्या पढ़ता है कि जो लोग आने वाले दुख के बारे में विचार करते हैं वही शोभित होते हैं, और जो विचार नहीं होते, करोति अनागतम, जो आने वाले दुख का न नहीं करते हैं विचार, वह सोचते, मतलब वह दुखी होते हैं। वन में यहाँ रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु गुफा की आवाज आज तक कभी नहीं सुनी। सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर संस्कृत बुक। बहुत जल्दी हम थर्ड चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम अकाउंट में, और अगर आपको कोई भी वर्ड समझने में मुश्किल हो रही है या आपको ग्रामर के साथ कोई हेल्प चाहिए संस्कृत में, तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए या फिर कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।